नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम मध्य प्रदेश में कौन क्या है, मतलब मध्य प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारी जो भी हैं, चाहे वो वर्तमान में लोकायुक्त हों, महाधिवक्ता हों, विधानसभा के अध्यक्ष हों, मुख्य न्यायाधीश हों, या और भी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी मध्य प्रदेश के होते हैं, उन सभी के बारे में मई 2023, मतलब जहाँ जब हम आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक कौन से पदाधिकारी किस पद पर है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में आपको मिलेगी। ये लेक्चर स्पेशल यदि हम बात करें तो 21 मई को होने वाला जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स 2022 को है उसके लिए होगा। इसके बाद एमपीईएसबी इलेक्शन सिलेक्शन एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो वन रक्षक की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी हम हेल्पफुल होगा, और ग्रुप फोर का जो आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला जो पदाधिकारी है वो आपके सामने है मध्य प्रदेश का राज्यपाल। आपको पता है राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई जो पटेल जी हैं, इनका जन्म स्थान गुजरात है, नवसारी जिला में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश सॉरी गुजरात विधानसभा के लगभग 5 बार से ज्यादा ये विधायक रहे, मंत्री भी रहे, है ना। और फिर वर्तमान में जो है ये मध्य प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के राज्यपाल हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है छापना है। ठीक है, ये भी क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान के जो राज्यपाल हैं वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सभी को पता है ये, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। नए बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना वो जरूर जान लें, मध्य प्रदेश का एक ग्राम है जैत ग्राम, है ना। जनरली जो भोपाल और आसपास के जो बच्चे हैं उनको पता होता है ना, सीहोर के ये रहने वाले थे। चौथी बार जो है जो सीएम है इस बार बने थे, 23 मार्च 2022 20 को चौथी बार इन्होंने जो है वो शपथ ली थी। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता कौन है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता है डॉक्टर गोविंद सिंह। याद रखना है पहले कमलनाथ जी हुआ करते थे, बाद में चेंज हो गए थे, वर्तमान में कौन है, गद्दावर नेता कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो है वो विपक्ष के नेता हैं। ये आते हैं मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला एरिया है भिंड से। ठीक है, और पहले जो विपक्ष के नेता थे, मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता, ये ऐसा भी एमपीपीएससी कई बार पूछ लेता है, तो विष्णुनाथ तामस्कर जी कौन थे, विष्णुनाथ तामस्कर जी जो है ये मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के विपक्ष के नेता माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ना, कहीं ये सीक्वेंस जो है एक ऑर्डर भी है, क्रम भी है, वरीयता क्रम जो होता है पूरी तरह से तो फॉलो नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हमने ध्यान में रखा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो है माननीय श्री गिरीश गौतम जी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये विंध्य क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आते हैं, चौथी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कुंजीलाल दुबे को जाना जाता है। इतनी चीजें हम इसमें याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, श्री गिरीश गौतम जी हैं। ठीक है, अगला पद जो है वो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को पता है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कौन है, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत। कौन से नंबर के हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ना। मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा न्यायाधीश मध्य प्रदेश का उच्चतम मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहा है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जिन्होंने अपनी सर्विसेज सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में पुलिस महानिर्देशक कौन है, डीजीपी, और कौन है मध्य प्रदेश के, तो वर्तमान में सुधीर सक्सेना जी जो हैं वो वर्तमान पुलिस महानिर्देशक हैं। यह फोटो हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिर्देशक माने जाते हैं वीपी दुबे जी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा पिछले साल मतलब 9 दिसंबर 2021 को भोपाल और इंदौर, चूंकि मध्य प्रदेश के दो महानगर हैं, वहां पर अपराध को रोकने के लिए या न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए दोनों महानगरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था।
कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। इसमें कमिश्नर जो होता है उसके पास पावर ज्यादा हो जाती हैं। तो भोपाल और इंदौर शहर में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया था। तो आपको याद, ये भी याद होना चाहिए कि भोपाल के वर्तमान में पुलिस कमिश्नर कौन है। तो वर्तमान में पुलिस कमिश्नर है हरि नारायण चारी मिश्र, याद रखना। और पुलिस जो इंदौर के जो नए पुलिस महान कमिश्नर हैं वो हैं मकरंद देउस्कर। पहले जब भोपाल जब कमिश्नरी सिस्टम बना था उस समय भोपाल के जो पुलिस कमिश्नर थे वो मकरंद देउस्कर थे। हाल ही में दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया था। तो अभी जो वर्तमान में है उनके बारे में आप याद रखोगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में कब कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था ये भी आपको याद रखना है। देखो आपको पता है वर्तमान में यूनिट 10 जो है हमारी उसमें पूरे कंप्लीट कमीशंस दिए गए हैं। उन कमीशंस के आयुक्त के बारे में आपको जानना होता है। कई बार सीधा यही पूछ लिया जाता है कि बताओ मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, या राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या SC/ST राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये सारी चीजें इसमें हमने संकलन किया हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं या आयुक्त जिनको हम कहते हैं वो हैं VP सिंह, वसंत प्रताप सिंह जी जो हैं। याद रखना है मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, NV लोहानी साहब है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। ये MBBSC प्रीलिम्स 2021 में भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, VP सिंह। अगला है मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है। तो मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। ये भी अपन याद रखेंगे। उस समय जो हमारी राज्यपाल जो थी वो थी आनंदीबाई पटेल, जो वर्तमान में यूपी की राज्यपाल हैं। उस समय उन्होंने जो है शपथ दिलाई थी, क्योंकि आपको पता है जो सूचना आयुक्त होते हैं वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त होता है उनको शपथ कौन दिलाता है, आपके राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया था, लागू 2006 में किया गया था, ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। पहला पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, राज्य सूचना आयुक्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि बच्चा आपने बहुत सारा पढ़ भी लिया है, तो हम थोड़ा सा आपको फास्ट रिवीजन देने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, TN श्रीवास्तव जी थे। अगला क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता, आपको पता है अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है। और वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता हैं श्री प्रशांत सिंह जी। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता जो थे वो थे श्री M अधिकारी। कौन होता है ये, तो जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और विधि और न्याय से संबंधित सारी सलाह राज्य जो है राज्य सरकार इन्हीं से लेती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त जो है वो कौन है, आपके श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता हैं। याद रखना है लोकायुक्त कौन है, नरेंद्र कुमार गुप्ता है। या फोटो आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो हैं वो माने जाते हैं PV दीक्षित। तो PV दीक्षित जी मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, जबकि वर्तमान में नरेंद्र कुमार गुप्ता जी जो हैं आपके लोकायुक्त हैं, ठीक है। अगला है राज्य नीति एवं योजना आयोग, कौन है, राज्य नीति एवं, आपको पता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के बारे में यदि हम बात करें तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष जो है कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होता है। इसी तरह से राज्य में भी एक नीति आयोग होता है, उसको पहले राज्य योजना आयोग कहते थे, अब राज्य नीति एवं योजना आयोग कहते हैं। तो राज्य में भी इसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है ये सचिव स्तर का अधिकारी होता है। और वर्तमान में राज्य नीति एवं योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश MBBSC के अध्यक्ष कौन है, तो राजेश लाल महराजी, जो आप फोटो आप देख पा रहे हैं, पहले ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे, फिर बाद में इनको स्थायी अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री राजेश लाल मेहरा जी हैं। आपको पता है पिछली बार भी ये पूछा गया था MPPSC का गठन किस अधिनियम की धारा के तहत किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा
118(3) के तहत एमपीपीएससी का गठन किया गया था। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में भी पूछा गया था, तो याद रखना है 118(3) के तहत। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य वित्त आयोग आपको पता है, एक होता है वित्त आयोग, एक क्या होता है वित्त आयोग, जो बनता है अनुच्छेद 280, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत जो है राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो राज्य और केंद्र में जो टैक्सेस होते हैं उनका बंटवारा करता है। उसी तरह पंचायतों को, पंचायतों में वित्त की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है, और उसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री हिम्मत कोठारी जी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिनका हेडक्वार्टर सभी को पता है कहां पर है, इंदौर में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? श्री अभिलाष खांडेकर जी हैं। ठीक है, वन लाइनर है ये। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री नियाज मोहम्मद खां जी हैं। तो ऐसा आयोग जो अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है उसको राज्य अल्पसंख्यक आयोग कहते हैं, और उसकी अध्यक्ष कौन है? नियाज मोहम्मद खां हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? मनोहर ममतानी जी। यह फोटो आपके सामने है, मनोहर ममतानी जी कौन है? मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखना है इनके बारे में, मानव अधिकार आयोग का गठन, स्पेशली मध्य प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन सितंबर 1995 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर भोपाल में पर्यावास भवन के नाम से स्थित है। इसकी पीडीएफ जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको केवल लेक्चर सुनना है, पीडीएफ वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अनिल सिंह कोठारी हैं। कौन है? अनिल सिंह कोठारी हैं। ये गलत है, ये जो है, अगली चर्चा करते हैं। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, स्टेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है? श्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं। ठीक है, इनके बारे में भी याद रखना है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग शेड्यूल कास्ट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं आनंद अहिरवार जी। कौन है? आनंद अहिरवार जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित हैं और यहाँ के ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, तो देखो हमने एसटी का देख लिया, है ना, अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर हमने एससी का देख लिया, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, इसी तरह से आपको याद रखना पड़ता है राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री गौरी शंकर बिसेन जी हैं। कौन है? राज्य की कौन है? गौरी शंकर बिसेन जी जो हैं, ये एससी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष, आपको पता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत थ्री लेयर्स, तीन स्तर पर आयोग बनाए गए हैं। राज्य स्तर पर जो आयोग बनता है ना, उसको कहते हैं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उसके अध्यक्ष वर्तमान में है जस्टिस शांतनु एस केमकर। ठीक है, इसी तरह से मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री एस पी एस परिहार जी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हम पहले ही पढ़ चुके हैं, श्री राजेश लाल मेहरा जी हैं, ये रिपीट हो गया है। और राज्य भूमि सुधार आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य भूमि सुधार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके श्री जीपी सिंगल जी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आइए हमारे चैनल पर, है ना, टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।